बंगाल चुनाव के नतीजे आ गए हैं, ममता बनर्जी की पार्टी की बंपर जीत हुई है, तीसरी बार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर चुनाव के बाद भी जारी है। बंगाल में कुछ इलाकों के प्रभारी रहे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि बंगाल की भोली भाली जनता ममता बनर्जी के नाटक से भ्रमित हो गई और इसीलिए ममता बनर्जी की पार्टी जीत गई। हमारे साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, जिन्होंने बंगाल में जाकर खूब अलग जगाई बीजेपी के नाम की, खूब सभाएं की, खूब रैलियां की और बहुत आपको लग रहा था कि इस बार सरकार बनी जाएगी, सब चुप कहां हो गई? खूब आगे बढ़ाया हमने, 3 से 78 तक आ गए, 38% वृद्धि हुई है वोटों में, अच्छी बात है। दो ही चूक कुछ नहीं हुई है, चूक तो छोटी सी बात है कि उनका जो नाटक था वो सफल हो गया, जो व्हीलचेयर थी, अब देखो ना आप कल खड़े होकर भाषण दे रही थी, सीढ़ियाँ चढ़ने में भी सहारा नहीं लग रहा था, पैर टूटे वाले व्यक्ति को, लेकिन बंगाल की जनता भोली है, छलावे में आ गई। दूसरा विषय मैं मानता हूँ कोरोना का, ये कोरोना की वजह से हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे अध्यक्ष जी, इनकी सभाएं जो निरस्त हुई आखिरी के 3-4 दौर के मतदान में, हमको काफ़ी नुकसान हुआ इस कोरोना की वजह से, यही 2-4 बातें थी, वरना हम बहुत आगे होते हैं। तो आपको लग रहा है कि जो 8 फेज का इलेक्शन था वो 4 फेज का छोटा होता तो आप लोग? मुझे नहीं लगता है ऐसा, मुझे ऐसा। पर बीजेपी जो सरकार बनाने के सपने देख रही थी वो किस के सपने भी देखने नहीं जाते हैं क्या? हम अगर कह रहे थे अब की बार 200 पार, क्या हम ये कह रहे थे अब की बार 2 पार या 3 पार कहते हैं? हमेशा नारा बड़ा ही दिया जाता है, हमेशा इच्छा बड़ी रखी जाती है, और यही कारण है आप देखो ना, जिनने 32 साल शासन किया, जो हिंदुस्तान की पार्टी थी 00 पे हैं दोनों, और उसके बाद लिख रहे हैं हैप्पी, ट्वीट क्या आया राहुल गांधी का, हैप्पी। कोरोना के काल में एबीपी न्यूज के माध्यम से मैं ये संदेश दूंगा कि खुश रहना कैसे है ये राहुल गांधी से सीखो, 5 राज्यों में चुनाव हारने के बाद पश्चिम बंगाल में 00 आने के बाद भी हैप्पी हैं, अगर वो उसके बाद भी खुश हो सकता है वो तो सीखो, कोरोना से घबराओ मत। खुश तो आप भी बहुत लग रहे हैं इस परिणाम के बाद। अरे हमने कहा पूरे देश में मोदी जी का परचम लहराया है, हम केरल में हमारा वोट शेयर देखिए, तमिलनाडु में वोट शेयर देखिए, पश्चिम बंगाल में वोट शेयर दीजिए और असम में, और वहां तो हमने सरकार बनाई ली पांडिचेरी में, हम खुश क्यों नहीं होंगे? हमारे पास वजह है खुश होने की कि हर जगह हमारा वोट शेयर बढ़ा है। सरकार नहीं बन पाई इसका मलाल होगा थोड़ा बहुत, बनाएंगे, ये तो राजनीति के अंदर आने वाली चीजें हैं, हमने 5 में से 2 में बनाई ना, बाकी किसी राष्ट्रीय दल की सरकार दिखी कहीं नहीं, अकेली भाजपा की दिखी, और वो हैप्पी लिख सकते हैं जिनका 5वां राज्य में सूपड़ा साफ हो गया, हमसे कह रहे हो हम खुश हैं। आप ये मानेंगे कि जनता सहानुभूति में बह गई ममता बनर्जी के? एक वजह थी, उन्होंने जो नाटक किए, सहानुभूति नहीं, उनका नाटक सफल हुआ। एक सर आखिरी सवाल की मध्य प्रदेश में, आराम से कितने भी सवाल करें सर, एक आखिरी सवाल ये कि मध्य प्रदेश में जो वैक्सीनेशन की बात थी 18+ वाली ड्राइव थी, तो कब से शुरू हो जाएगी, कोई तारीख दे पाएगी सरकार? तारीख मिल जाएगी आपको, आज हम तारीख दे देंगे और मैं समझता हूँ कि 2-3 दिन के अंदर चालू हो जाएगी। कोरोना कंट्रोल में आते दिख रहा है क्या? निश्चित रूप से हमारे जो डिस्चार्ज होने वाले केस थे वो कल हमारे डिस्चार्ज हुए 14,403 और जो नए केस आए हैं वो 12,000, ऐसे हम 1,500 1,500 से ज़्यादा लोग डिस्चार्ज हुए, यही ट्रेड पिछले 3-4 दिन का है, तो ये अच्छा समाचार है, खुशी की बात तो नहीं है पर अच्छा समाचार है, और निश्चित रूप से हमको लगता है कि 2-3 दिन अगर यही ट्रेड चला तो हम नियंत्रण पूरा कर लेंगे। आप तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को ममता बनर्जी की जीत इसलिए नजर आ रही है, वो इसलिए जीती हैं क्योंकि उन्होंने नाटक कर जनता को भ्रमित किया है। ABP News आपको रखे आगे।